हेलो एवरीवन, इस वीडियो पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हार्मोन्स, उसकी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हार्मोन्स हमारे पास कुछ स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो बॉडी के स्पेसिफिक ग्लैंड्स या स्पेसिफिक ऑर्गन सिक्रिएट करते हैं। ये स्पेसिफिक ग्लैंड्स या ऑर्गन हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं। हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड के अंदर सिक्रिएट होते हैं और ब्लड के जरिए ट्रैवल करते हुए बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, जहाँ पे वो डिफरेंट सेल्स को अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं। वो सेल्स जिन्हें हार्मोन्स अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमारे पास टारगेट सेल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं हार्मोन्स की केमिकल नेचर की। तो केमिकल नेचर की बेसिस पे हमारे पास हार्मोन के तीन टाइप्स पाई जाती हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास कहलाती है पेप्टाइड हार्मोन्स। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि सिंपली अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, आइदर अमाइनो एसिड की शॉर्ट या लॉन्ग चेन्स इनमें मौजूद होती हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। जो हार्मोन्स की हमारे पास दूसरी टाइप होती है, वो हमारे पास कहलाती है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड हार्मोन्स। इनके नाम से ही ये बात जाहिर होती है कि ये हार्मोन्स स्पेशल या मॉडिफाइड किस्म के अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं थायरोक्सिन, एपिनेफ्रीन और दीगर एग्जाम्पल जैसे कि नॉरएपिनेफ्रीन और एड्रेनालिन एक्सेट्रा। तीसरी हमारे पास हार्मोन की टाइप्स होती है स्टेरॉयड हार्मोन्स। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि लिपिड से बने हुए होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं। इनकी कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, उसके अलावा भी कई एग्जांपल्स पाई जाती हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन एक्सेट्रा। अब हमारे पास आता है हार्मोन एक्शन। तो जैसे कि अभी हमने हार्मोन्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, तो डिफरेंट तरह के हार्मोन एक डिफरेंट तरह से एक्ट करते हैं। डिफरेंट तरह के हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करने के लिए दो मेन मॉडल्स प्रपोज किए गए हैं। ऑल्दो ये दोनों के दोनों मॉडल्स इस बात को इंटेल करते हैं, ये बात इस बात पर एग्री करते हैं कि जो हार्मोन्स होते हैं वो जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं। मतलब हार्मोन खुद कुछ काम खुद जाके एक्शन परफॉर्म नहीं करवाता, बल्कि हार्मोन जाके एक रिसेप्टर पे काम करते हैं और उसके बाद जो मैकेनिज्म है वो हम अभी आगे देख लेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन्स, यानी वो तमाम हार्मोन्स जो कि अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, वेदर सिंपल अमाइनो एसिड्स और मॉडिफाइड अमाइनो एसिड्स। तो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि हमारे पास पेप्टाइड हार्मोन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, अब हमें ये बात मालूम है कि जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो सेल सरफेस मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। इसी वजह से इन हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये रहा हमारे पास सेल सरफेस रिसेप्टर्स, जो कि प्रोटीन हार्मोन के लिए है। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये सेल के अंदर एक एंजाइम के साथ लिंक हुए हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखा जा सकता है। इस एंजाइम का नाम होता है एडेनिलाइल साइक्लेस या एडेनिलेट साइक्लेस। जब एक हार्मोन, एक पेप्टाइड हार्मोन आके अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो ये रिसेप्टर इस एडेनिलाइल या एडेनिलेट साइक्लेस को एक्टिवेट कर देता है। ये जो एक्टिवेटेड एडेनिलेट साइक्लेस है, ये एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एक दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, जो हमारे पास कहलाता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जाता है और दीगर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। इन एंजाइम्स की एक्टिवेशन के नतीजे में सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो जाते हैं। तो अगर हम इसको जल्दी से समराइज करें, हार्मोन आया और रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया। इस हार्मोन रिसेप्टर बाइंडिंग के नतीजे में एक एंजाइम जो कि अंदर लिंक्ड हुआ हुआ था एडेनिलेट साइक्लेस, वो एक्टिवेट हुआ। ये एडेनिलेट साइक्लेस एक्टिवेट होने के बाद एटीपी को सीएएमपी में कन्वर्ट करना शुरू करेगा और फिर ये सीएएमपी दीगर एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाएगा, जो कि सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करवा देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन्स किस तरह से काम करते हैं। अच्छा, अब हमें ये बात पता है कि स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं होती। इसी वजह से इनको कोई सेकेंड मैसेंजर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये सीधा सीधा जाके सेल के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में जा सकते हैं। इसी वजह से इन हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में या इनफैक्ट कभी कभार तो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। जब ये हार्मोन्स अपने रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड होते हैं, तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कुछ जीन्स को एक्टिवेट कर देता है। ये जीन्स एक्टिवेट होने के बाद एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनाती हैं। ये एमआरएनए बनने के बाद साइटोप्लाज्म में आता है और राइबोसोम में अटैच होकर ट्रांसलेशन का प्रोसेस करता है।
इस ट्रांसलेशन के प्रोसेस के नतीजे में हमारे पास एक नया प्रोटीन या नया एंजाइम बन जाता है और ये एंजाइम फिर सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करवाना शुरू करवा देता है। तो ये थे हमारे डिस्कशन हार्मोन्स, उसके टाइप्स और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। आइए अब इससे रिलेटेड एक सवाल सॉल्व करते हैं। हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, हमने बात अभी पढ़ी कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक तरीके का लिपिड है, तो सारे हार्मोन्स जो लिपिड से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास कहलाते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, और ये इसका सही जवाब है। थैंक यू।